अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे बात करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख जो है वो पौने 300 साल पे मुहित है, अराउंड 273 और 74 ईयर्स। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अहम है इस लिहाज से कि इस कंपनी ने इंडिया में ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल की बुनियाद रखी थी। कैसे रखी, कैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी इवॉल्व हुई, किन मजामतों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से इसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, आज के इस लेक्चर में हम इसी मौजू पे बात करेंगे। ये लेक्चर भी दीगर लेक्चर की तरह रेलेवेंट और ब्रीफ कंटेंट पे मुश्तमिल है और गैर जरूरी इंफॉर्मेशन को हमने निकाल दिया है। की फैक्ट्स हैं और एक ऐसे सीक्वेंस में है कि टाइम के लिहाज से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके मुताबिक की फैक्ट्स को बयान किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इन लेक्चर्स का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि आपको दीगर सोर्सेज कंसल्ट ना करना पड़े और जो भी इंफॉर्मेशन एक टॉपिक को तैयार करने के लिए चाहिए वो आपको एक ही लेक्चर में मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी कैसे बनी। December 31, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर की मंजूरी दी टू द ग्रुप ऑफ लंडन मर्चेंट्स फॉर एक्सक्लूसिव ओवरसीज ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया। ये इनको हक दिया गया इस कंपनी को कि आप इंडिया के साथ तजारत का लाइसेंस आपके पास होगा और कोई और ताजिर ब्रिटेन से वो इस कंपनी के लाइसेंस के अलावा इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, स्पेशली इंडियन ओशन में जो ट्रेड के राइट्स थे वो इस कंपनी को दिए गए। ये एक तरह की प्राइवेट कॉरपोरेशन थी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह सकते हैं। And the objective of this company was to counter the monopoly of traders of Spain and Portugal in the Indian spice trades. उस वक्त जो इंडियन स्पाइस थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे दुनिया में और मसाला जात और दीगर कंपनीज भी यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, जिनमें स्पेनिश थी, डच थे, पुर्तगाल से थे, फ्रेंच थे। जब हम इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं तो इसका इसी वजह से कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम एक यूनिक करने के लिए साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगाते हैं, लेकिन लेक्चर में हम मुख्तलिफ जगहों पर हम सिर्फ कंपनी ही कहेंगे और इसका मतलब होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वो वक्त था जब क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर जारी किया। तो ये वो वक्त था जब इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर होता था और मुग़ल एम्पायर अकबर की हुकूमत थी इंडिया में, एंड ही वाज़ द रिचेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। और एक एस्टीमेट के मुताबिक उसकी जो एसेट्स थे वो इक्विवेलेंट टू $13.5 बिलियन के करीब थे, आज के दौर के $13.5 बिलियन। He was the richest ruler in the world. और ये वक्त था जब इंडिया जो है वो तकरीबन 25% ऑफ द ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तैयार होती थी यहाँ से, और ब्रिटेन से सिर्फ 3% ग्लोबल प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती थी। तो EIC was established, यानी कंपनी was established to trade in the Indian Ocean region. Initially, the Royal Charter was granted for only 15 years, और कंपनी ने शुरू शुरू में कोस्टल एरियाज का इंतखाब किया ट्रेड के लिए। कंपनी ने अब इस कंपनी का जो मैंडेट था इसमें ये इंडियन ओशन के एरियाज शामिल थे, इसमें स्ट्रेट ऑफ मलाका भी थी। कंपनी ने बहुत सारे जहाज, फ्लीट और इलाकों में भेजे 1603 में या 4 में, लेकिन जो इंडिया में पहला इनका जो शिप्स आए वो सूरत के मकाम पे गुजरात में लंगर अंदाज हुए 1608 में।
गुजरात में सूरत के मकाम पे ये जो कंपनी के शिप्स थे वो आए फर्स्ट टाइम। और 1609 में किंग जेम वन ने कंपनी के चार्टर को इनडेफिनेट पीरियड के लिए रिन्यू कर दिया, क्योंकि कंपनी को इंडिया के सफर से काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। फिर कंपनी ने प्रॉफिट को देखते हुए इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री भी कायम कर ली ऑन द आंध्रा कोस्ट इन द बे ऑफ बंगाल इन 1611, और कुछ सालों बाद दूसरी फैक्ट्री सूरत के मकाम पे एस्टैब्लिश की गई। यहाँ पे इशू ये हुआ कि पायरेट्स का इशू आया। कंपनी के जो जहाजों पे जो पायरेट्स थे और मुख्तलिफ दीगर कंपनीज के साथ भी कंपनीज का चूंकि रेवलरी थी, जिसमें डच थे, पुर्तगालीज थे और फ्रेंच थे, तो उस वक्त के ब्रिटिश किंग ने जेम्स वन थे उस टाइम पे, उन्होंने सर थॉमस रॉय जो कि इंग्लिश डिप्लोमेट हैं, इनको मुगल एम्पायर नूरुद्दीन सलीम जहांगीर के पास भेजा कि आप मुगल शहनशाह को कन्विंस करें कि वो कंपनी को और ज्यादा कंसेशन दे और कंपनी को प्रोटेक्शन फराम करे फ्रॉम दी अटैक्स ऑफ दी पायरेट्स। तो शुरू शुरू में तो थॉमस रॉय की दाल यहाँ पे नहीं गली, लेकिन बाद में इसने नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर के साथ दोस्ती कर ली। और ये भी कहा जाता है कि ये वलायत से, इंग्लैंड से मुख्तलिफ किस्म की शराब की किस्में लेके आया था और बहुत सारा बहुत ज्यादा रेयरिटीज फ्राम दी यूके मार्केट वो भी लेके आए, ऐसे नाजाब तहाइफ लेके आया। और आहिस्ता आहिस्ता इसने जहांगीर बादशाह के साथ दोस्ती कर ली। ही रिजाइडेड एट आगरा कोर्ट फॉर 3 years फ्रॉम 1616 टू 1619, और ये जहांगीर का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। और इसने सूरत के मकाम पे ट्रेडिंग पोर्ट इस्टेब्लिश करने की मुगल परमिशन हासिल कर ली, मुगल बादशाह से परमिशन ले ली। और इस तरीके से रॉय ने सर थॉमस रॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल के दरमियान तल्लाकात की बुनियाद रख दी। अब कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा अहम हैं। कंपनी ने बाद में सूरत के मकाम पे 1619 में, मद्रास के मकाम पे 1639 में, बॉम्बे में 1668 में और कलकत्ता में 1690 में अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स कायम की। यहाँ पे ट्रेडिंग पोर्ट्स पढ़ा जाए। और इसके बाद 1634 में मुगल एम्पायर शाहजहां ने भी इंग्लिश ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा कंसेशन दी और उनका जो एरिया ऑफ ट्रेड है वो बंगाल रीजन तक बढ़ा दिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1647 तक कंपनी के पास 23 फैक्ट्रियां थीं और बहुत ज्यादा फिर बाद में इनको 45 भी कर दिया गया और मजबूत किले भी इस्टेब्लिश कर लिए गए, जहाँ पे बाद में ये इंग्लिश आर्मी भी वहां पे क्याम पजीर रही, इंग्लिश ऑफिसर भी वहां पे क्याम पजीर हो गए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि जहां जहां पे वो फैक्ट्रीज और उसने छावनियां बनाई उनको फोर्टिफाई कर दिया, किले बना लिए, और यही किले बाद में उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन बने। और इन्हीं किलों की वजह से उन्होंने अपनी आर्मी को रखा और वो ताकत मिलिट्री कैपेसिटी हासिल करते गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रू इन इट्स इन्फ्लुएंस, गेनिंग मोर एंड मोर मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड फोर्टिफाइड एरियाज टू लॉन्च इट्स ऑपरेशन। शुरू शुरू में इसके जो कंपटीशन थे वो ट्रेड के अंदर थे और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी वार हुई। और आहिस्ता आहिस्ता ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि हमने मुगलों के साथ भी वार शुरू कर दी। 1717 में कस्टम ड्यूटीज जो है वो इनकी ट्रेड पे मुकम्मल तौर पे हटा दी गई। इनका शुरू शुरू में तो ये इनके ट्रेड रिवल्स थे, डच थे, फ्रेंच थे, उनके साथ इनकी वार हुई, कंफ्लिक्ट आया और बहुत नेक टू नेक कंपटीशन था बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द मोनोपोली इन स्पाइस ट्रेड। और एंग्लो डच वार्स भी हुई जो कि सीरीज ऑफ मिलिट्री कंफ्लिक्ट हैं 1652 से 1654 तक, 1665 से 1667
तक, 1672 से 1674 तक और 1780 से 1784 तक, चार एंग्लो डच वार हुई थी हिस्ट्री में। फिर एक बहुत अहम वार हुई, एंग्लो मुगल वार। ये वो जंग थी जिस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरी तरह शिकस्त हो गई। अब हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ताकत के नशे में इस हद तक आ गई कि ये जहां पे बैठी हुई थी वहां की जो मुगल एम्पायर के साथ इन्होंने छेड़खानी शुरू कर दी। इट वॉज द फर्स्ट एंग्लो इंडियन वार ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये स्टार्ट हुई 1686 से, फिर 3-4 सालों तक ये चलती रही। इट वॉज सीरीज ऑफ बैटल्स और मुख्तलिफ जगहों पर ये बैटल चलती रही। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेवल फोर्सेस थी वो गवर्नर ऑफ बंगाल शायस्ता खान के साथ क्लैश में आ गए, क्योंकि शायस्ता खान ने इनको ट्रेड कंसेशन देने से इनकार कर दिया। और यहाँ पे इनके जो मुजाकरात चल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसमें एक नया डिप्लोमेट आया जिसको चाइल्ड कहा जाता था। इसका नाम था जोजिया चाइल्ड। इसने कंपनी की जो नेगोशिएशन मुगल के साथ चल रही थी उनको ब्रेक ऑफ कर दिया, और ताकत के नशा में इन्होंने ब्रिटिश किंग से दरख्वास्त की कि आप हमें मजीद शिप्स भेजें, वार शिप्स भेजें। वार शिप्स आए इनकी हेल्प के लिए, जंग शुरू हुई और मुगल्स और ये एंग्लो मुगल वार में मुगल और ब्रिटिशर्स आप एक दूसरे के सामने आए। लेकिन यहाँ पे वाकया ये हुआ कि मुगल एम्पायर औरंगजेब ने इंटरवीन कर दिया। मुगलों की आर्मी उस टाइम बहुत बड़ी थी और औरंगजेब आलमगीर काफी ताकतवर और आखिरी इफेक्टिव हुक्मरान समझे जाते हैं, तो उनकी इंटरवेंशन से ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त हो गई। 1689 में मुगल फ्लीट कमांडेड बाई सिदी याकूब विशेष दी कंपनी फोर्ट इन बॉम्बे, फोर्ट विलियम बॉम्बे में जो जो कंपनी का फोर्ट था उसका मुहासरा कर लिया गया और फूड की सप्लाई बंद कर दी गई, जिसकी वजह से अंदर कहत की सूरत हाल पैदा हो गई, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दी गई और इस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरेंडर कर दिया। एम्परर जहां औरंगजेब आलमगीर ने तमाम फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया और जितने भी लोग हाथ आए उन सबको अरेस्ट कर दिया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करते थे। इस क्रशिंग डिफीट के बाद कंपनी ने अपने दो सफीर भेजे। कहा जाता है कि वो सफीर मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर की जब अदालत में पेश हुए, उनके दरबार में पेश हुए, तो वो बहुत आजिज़ी के साथ उन्होंने माफिया मांगी वहां पे, और फिर औरंगजेब आलमगीर ने उनके ऊपर भारी फाइन किया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और भारी फाइन के बाद फिर उनको दोबारा जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद उन्होंने जब माफी मांग ली तो उनको माफ कर दिया और उनको ट्रेड एक्टिविटीज रिज्यूम करने की इजाजत दे दी। लेकिन इस वार के बाद कंपनी मोहतात हो गई कि अब उन्होंने कोई पंगा लेने से उसमें मुगल्स के साथ उन्होंने मोहतात रवैया अपनाया। फिर यहाँ पे एक और वाक्या हुआ कि एक इंग्लिश पायरेट था हेनरी एवरी, बहुत नोटोरियस पायरेट था। इसने अपने साथ कुछ और पायरेट्स मिलाए और इन्होंने एक मुगल फ्लीट के ऊपर अटैक कर दिया जो कि मक्का से हज करने के बाद वापस लौट रहा था, और इसमें बहुत ज़्यादा खजाना था जिसकी मालियत 5 से 6 लाख पाउंड्स तक बनती है। इट वॉज द रिचेस्ट शिप एवर लूटेड बाई दी पायरेट्स इन हिस्ट्री। और दो ये थे तो पायरेट्स ही, लेकिन जैसे ही ये इतला ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंची और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंची, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फौरन ऑफर कर दी कि जितना भी नुकसान हुआ है हम पूरा करने को तैयार हैं। कहा जाता है कि इसमें औरंगजेब आलमगीर के कुछ रिश्तेदार भी इसमें शिप में मौजूद थे, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने बिल्कुल सख्ती से ईस्ट इंडिया कंपनी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने 4 फैक्ट्रीज कंपनीज की सील कर दी और उनके जो कंपनी के ऑफिसर थे उनको अरेस्ट कर लिया। कंपनी ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स की इस पायलट को पकड़ने के लिए, इसके ऊपर बूटी भी अनाउंस की। बहरहाल इस
जो पायरेसी से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक बुरा वक्त आया। कहा जाता है कि मिड 17th सेंचुरी से लेकर अर्लियर 18th सेंचुरी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड थी वो दुनिया की ट्रेड का 50% तक हो चुकी थी। इतनी ज्यादा ट्रेड इसने की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन आइटम में ट्रेड की कॉटन, सिल्क, इंडिगो डाई, नील, साल्ट, स्पाइसेस, टी, ओपियम, पोटाशियम नाइट्रेट। और ये भी जाहिर होता है कि इन्होंने स्लेव ट्रेड में भी इन्वॉल्व हुए। ओपियम से याद आया कि एक बहुत मशहूर जंग हुई थी जो ओपियम वार कहलाती है, जो चाइना के साथ हुई थी, उसका भी जिक्र हम करेंगे। 1707 में औरंगजेब आलमगीर की जब वफात हुई तो उनकी वफात के बाद इंडिया के जो सियासी हलकों में सियासी कुव्वत में खला पैदा हुआ। और औरंगजेब आलमगीर के बारे में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ही वॉज द लास्ट इफेक्टिव मुगल रूलर, क्योंकि उनके मरने के बाद उनके जो जानशीन थे वो तख्त को संभाल ना सके और मुगल एम्पायर जो है वो जवाल का शिकार हुई। इस सूरत हाल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फायदा उठाया और लोकल सोल्जर्स को अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद होती है बैटल ऑफ प्लासी। बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दी नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला ने, और ये नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला किया, लेकिन इनको भी जंगे प्लासी में शिकस्त हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडर दी लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव गेंड डिसिसिव विक्ट्री ओवर दी नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड हिज फ्रेंच लाइज इन दी बैटल फॉट ऑन जून 23, 1757। यहाँ पे एक मशहूर वाकया है जो कि मीर जाफर का था, कि मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था ऑफ दी फोर्सेज ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, तो ब्रिटिशर ने इनको लालच दिया कि हम आपको अगला गवर्नर ऑफ बंगाल बनाते हैं, आप हमारे साथ मिल जाएं। और ये इसने गद्दारी की मीर जाफर ने, और इसकी गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हो गई। बाद में इनके बेटे मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। बाद में कहा जाता है कि मीर जाफर भी बहुत पछताया, क्योंकि उसको जब वो तख्त पे बैठा, जब वो बंगाल का गवर्नर बना तो उसको आइडिया हुआ कि असल हुक्मरान तो अंग्रेज हैं, उनके पास तो सिर्फ नाम की, यानी नवाब ऑफ बंगाल के पास तो सिर्फ सिर्फ जो है परनाम हुकूमत है। ये वो विक्ट्री थी। फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को भी उदे से हटा दिया और डायरेक्ट खुद ही कंट्रोल संभाल लिया सूबा बंगाल का। और ये वो पहला मौका आप कह सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी के, इस जंग में फतह हासिल करने के बाद ये वो पहला मौका आप कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकायदा तौर पे हुकूमत संभालने की तैयारी शुरू कर दी, या हुकूमतें संभालने का काम भी शुरू कर दिया। तो यहाँ से ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बुनियाद पड़ती है। कंपनी ने ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बुनियाद रखी, इन्होंने इंडिया में रूल करना शुरू कर दिया। अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्पायर उस वक्त के शाह आलम सानी को शिकस्त दी, और शाह आलम सानी का जो दायरा इख्तियार है सिर्फ दिल्ली तक महदूद होकर रह गया। इनके बारे में ये मशहूर एक कहावत है फारसी की कि शाह आलम का दायरा इख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से पालम तक है। पालम एक कस्बा था जो कि दिल्ली का ही कस्बा है और दिल्ली का एक नवा इलाका था, तो वहां तक ही इसकी हुकूमत कही जाती थी। ये वो वक्त था जब मुगल एम्पायर जो हैं वो बरह नाम हुक्मरान थे, पपेट्स थे, और असल हुक्मरान इंडिया की वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अगले एक साल में कंपनी इस काबिल हो गई कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, म्यांमार और अफगानिस्तान तक भी इन्होंने अपना दायरा इख्तियार फैला लिया, और यूं इस तरीके से इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट द कंपनी एंड द ब्रिटेन टुक 45 ट्रिलियन डॉलर फ्रॉम इंडिया फ्रॉम 1765 टू 1938।
1765 से लेकर 1938 तक इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ने 35 ट्रिलियन डॉलर्स की मालियत के करीब जो एसेट्स हैं वो यहाँ से वो ले गए। फिर यहाँ पे 1770 में एक फेमाइन आता है, कहत आता है। ये कहत वैसे तो 1769 में शुरू होता है और 1773 तक जाता है, तकरीबन 4 सालों तक ये कहत रहता है। इस कहत ने अपैथी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टुवर्ड दी स्टार्विंग पीपल उसको बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई रियायत नहीं दी, टैक्स बढ़ा दिए, महसूलात बढ़ा दिए और कोई रहम नहीं दिखाया, भूख से मरते हुए लोगों के ऊपर कोई रहम शो नहीं किया। और इस कहत में 10 मिलियन लोग जो हैं वो कहत की वजह से मारे गए। फिर सिराज उद्दौला नवाब ऑफ बंगाल के साथ जो मजाहमत वहां से आई, दूसरी बड़ी मजाहमत मैसूर से भी आई ईस्ट इंडिया कंपनी को। इससे पहले हमने जंगे प्लासी का जिक्र सुना और इसके बारे में बात की कि पहली मजाहमत जो लोकल से हुई वो थी जंगे प्लासी में नवाब सिराज उद्दौला ने की। फिर उसके बाद मैसूर के हुक्मरान हैदर अली ने टफ रेजिस्टेंस दी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उनके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान जो कि 1782 में मैसूर के हुक्मरान बने, इन्होंने फ्रेंच के साथ अलायंस बनाया और कंपनी को 2 जंगों में शिकस्त भी दी। आखिरकार इनके साथ भी इनके अपनों ने गद्दारी की और दीगर जो लोकल इंडियन रूलर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ मिला लिए और इनको तन्हा करके, तो इस तरीके से इनको भी बाद में ये शहीद हुए 1799 में। और इनकी बहादुरी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है उनके किस्से, और इनका जो मशहूर मकूला मशहूर हुआ टीपू सुल्तान का कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, तो ही वाज सुल्तान ऑफ मैसूर। और इनकी वजह शोहरत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट था, यही उनकी वजह शोहरत थी जिसको तारीख में दवाम हासिल हुआ। फिर अब शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जवाल। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया जिसके जरिए कंपनी की मोनोपोली को कम किया गया ट्रेड में, और 1834 में कंपनी के और ज़्यादा ट्रेड प्रिविलेजेस वो भी कम कर लिए गए। यहाँ पे इंडिया यूके में ब्रिटेन में एक और कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि जो कंपनी के ऑफिसर्स थे और जो पार्लियामेंट थी उनके दरमियान बन नहीं रही थी और उनके दरमियान भी इख्तलाफात होना शुरू हो गए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स और प्रिविलेजेस को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट से ड्रा करती थी। जो भी उसको लाइसेंस वगैरह मिलते थे या जो भी उनको पावर्स थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के इख्तियार ही इस्तेमाल करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स, और अब पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस लेना शुरू कर दी। फिर एक जंग हुई किंग डायनेस्टी ऑफ चाइना के साथ। हुआ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ओपियम की ट्रेड में भी इन्वॉल्व थी। ओपियम की ट्रेड की वजह से चाइना का कंसर्न ये था कि आप जो ओपियम इधर भिजवा रहे हैं, स्मगल कर रहे हैं चाइना में, इससे हमारे मईशत के ऊपर बोझ पड़ रहा है, हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है और हमारे यहाँ अडिक्ट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है चाइना में। तो यहाँ पे क्या किया चाइना ने कि इन्होंने ओपियम ट्रेड के ऊपर सख्ती शुरू कर दी, सजाएं देना शुरू कर दी, जो जो भी ट्रेडर इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर सख्ती शुरू कर दी, उनको सजाएं दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिनंशियल इंटरेस्ट में नहीं थी, चूंकि वो ओपियम ट्रेड करना चाहती थी और इसलिए यहाँ पे भी ओपियम वार हुई 1839 से लेकर 1845 तक चली। इस जंग में ब्रिटिश नेवी ने चाइना को शिकस्त दी और उसके बाद EIC ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हांगकांग की पोर्ट के ऊपर भी कब्जा किया, जो कि काफ़ी देर तक रहा और रिसेंटली इसको फिर दोबारा चाइना के हवाले किया गया।
फिर आती है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और 1858। इसका इसके बारे में डिटेल लेक्चर हम लेंगे, इसकी वजूहात, इसके इवेंट्स, इसके क्या मुहरिकात थे, क्या इसकी नतायज निकले, क्या कुछ हुआ, वो हम एक सेपरेट लेक्चर रचेंगे। लेकिन फिलहाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कंटेक्स्ट में ये बताना ज़रूरी है कि ये अपराइजिंग जो है ये 1857 में स्टार्ट हुई, लोकल हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ने स्टार्ट की अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन रूल ऑफ द कंपनी इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक म्यूटनी थी, बगावत थी, लेकिन इसको जो लोकल हिस्टोरियन है या लोकल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उनके लिहाज से आज़ादी की एक जंग थी। इस जंग में बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मुगल बादशाह के दरबार के सामने एग्जीक्यूट किया गया, और फिर जब ब्रिटिशर्स आए, ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये पूरे इंडिया में फैल गई, बंगाल से स्टार्ट हुई, पूरे इंडिया में फैली, पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लेकिन बाद में ब्रिटिशर ने बतौर शमशीर ताकत के जोर पे ये जंग के ऊपर काबू पा लिया, और इस जंग में चूंकि इसके कोई लीडर था नहीं, ये कैसी जंग थी जो लीडरलेस जंग थी, इसमें लोग उठ खड़े हुए थे, बहरहाल ताकत के जोर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बगावत के ऊपर, इस जंग आज़ादी के ऊपर, इसके ऊपर काबू पा लिया, और दो के ये वार फेल हुई। लेकिन इस जंग की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी डिजॉल्व हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस जंग की वजह से सोचना पड़ा कि अब हमें इंडिया में एक नया तर्ज का हुकूमती निज़ाम, एक नई तर्ज की आर्मी और एक नया तर्ज का इंतजामी ढांचा मुतारिफ करने की ज़रूरत है, और अब कंपनी के जरिए हम इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर सकते। ये उनके अंदर एक सोच थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अब कंपनी के जरिए हम इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर सकते। तो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे इख्तियारात खत्म कर दिए गए और इनको लिक्विडेट कर दिया गया, और ये कहा गया इस एक्ट के जरिए कि द पावर टू रूल इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोई किसी किस्म का रूल नहीं करेगी। अब जो इसका इख्तियार है इंडिया के ऊपर हुकूमत करने का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस लिया जाता है, और अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करेगा इंडिया के ऊपर। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर अब इस जो पिछला एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसकी जो प्रोविजंस हैं, इसने मुकम्मल तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तहलील कर दिया। लेकिन रही सही कसर जो है ये इस एक्ट ने निकाल दी, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिवाइड एंड रिडक्शन एक्ट 1873। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और इसके तहत फॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी डिजॉल्व हो गई 1874 में। यूं एक तारीख, एक 274 साल तारीख का इख्ताम हुआ, एंड हुआ, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पहले ही अपने गवर्नमेंटल फंक्शन से हाथ धो चुकी थी, उसके जो अथॉरिटी थी वो क्राउन को ट्रांसफ़र हो गई। इसकी जो मिलिट्री थी जो कि 2,40,000 सोल्जर पे मुश्तमिल थी, वो भी क्राउन को ट्रांसफ़र हो गई, और बाद में ये इंडियन आर्मी में जम हो गई। अपनी किताब अनार्की में, दी अनार्की में, विलियम डलरेम्पल लिखते हैं कि ये हिस्ट्री की एक अनोखी मिसाल है, एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी आर्मी और नेवी बनाई और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी से 2 करोड़ लोगों को, 20 मिलियन लोगों को अपना गुलाम बनाया। तो ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख। होपफुली आपको इस लेक्चर से फायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।